हेलो दोस्तों, आप सभी का नोमेड सफ़र में स्वागत है। तो अभी हम जा रहे हैं इंडिया टू नेपाल, जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हमने ट्रेन से यहाँ पर हम आगरा तक जाएंगे, बूंदी से डायरेक्ट ट्रेन जाता है आगरा के लिए। तो यहाँ से हमने ट्रेन ली और उसका एक टिकट कटाया जो कि आप लोग देख सकते हैं, और एटलीस्ट 400 किलोमीटर के आसपास की जर्नी है। और उसके बाद हम फाइनली आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। ये अभी मॉर्निंग का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टेशन है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर सुहावना रहता है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भीड़भाड़ है, चहल पहल है, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद फिर हम गए अम्बेडकर पार्क की तरफ, जो कि इसके काफ़ी नज़दीक पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं ये अम्बेडकर पार्क है, यहाँ पर काफ़ी लोग टहलने आते हैं और यहाँ पर अम्बेडकर की फ़ोटो लगी हुई है। और पर बेसिकली मैं ट्रेन से क्यों आया, तो ट्रेन से क्या रीजंस रहा, तो सबसे पहले रीजंस ये है कि हमारी वहाँ से जो जर्नी थी एटलीस्ट 415 किलोमीटर्स की थी। अगर मैं हिच चेकिंग करता, लिफ्ट लेता, तो ऑलमोस्ट मेरे को 2 से 3 डेज का टाइम लगता, क्योंकि एक दिन में ऑलमोस्ट 100 से 200 किलोमीटर्स ही कवर होता है। ज़्यादा कवर नहीं होता तो एक दिन का हमें स्टे भी रखना पड़ता है, मतलब ऑलमोस्ट 3 डेज हमारा एक टूर के अंदर ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमने सोचा कि ट्रेन से जाया जाए, और मॉर्निंग के टाइम पर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मेरे बूंदी से वहाँ से ट्रेन डायरेक्ट यहाँ पर आती है। आगरा फोर्ट डेली ट्रेन जाती है, तो जो डिस्टेंस है वो भी एकदम कम हो गया और यहाँ पर जो ट्रेन है वो भी एकदम खाली जाती है। तो हमने इसी को चूज़ किया, और इसके बाद हम आगरा विज़िट करने के बाद फिर हम जाएंगे गोरखपुर है, वहाँ तक हम ट्रेन से विज़िट करेंगे। फिर इसके बाद हम वहाँ से लिफ्ट लेना है और हिच चेकिंग स्टार्ट करेंगे नेपाल तक। और क्योंकि अगर हम इधर ही टाइम स्पेंड कर देंगे तो फिर हमें काफ़ी कम टाइम मिलेगा नेपाल जर्नी के अंदर, क्योंकि उधर जो पहाड़ी एरिया है तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे। तो इसलिए हमने ये सिलेक्ट किया कि जाएंगे गोरखनाथ, जो कि गोरखपुर में है, तो उसको भी हम विज़िट करेंगे। तो यही है इंडिया टू नेपाल का सफ़र, जो भी हमारे रूट के अंदर पड़ रहे हैं हम उनको विज़िट करते हुए जाएंगे आगे की तरफ। तो सभी को थैंक यू। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ आगरा के अम्बेडकर पार्क के अंदर, जो कि आप लोग देख सकते हैं अभी मॉर्निंग का व्यू है। इसके बाद फिर हम ताजमहल को विज़िट करने, तो आप देख सकते हैं ये मॉर्निंग व्यू है आगरा में हूँ, और इसके जस्ट आपको रेड फोर्ट देखने को, सॉरी यहाँ पर जो आगरा फोर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये मॉर्निंग का व्यू है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सफ़र में। तो दोस्तों, तो शाम हो चुकी है आगरा के अंदर मुझे, तो मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि आगरा से हमें जाना है गोरखपुर। तो यहाँ से ट्रेन थी गोरखपुर के लिए, और गोरखपुर स्टेशन पर हम पहुँच चुके हैं, जिसने मुझे 11:30 बजे के आसपास मॉर्निंग टाइम पर उतारा है। और ये आप लोग रेलवे स्टेशन को देख सकते हैं, गोरखपुर का रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है इंडिया के अंदर, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम गोरखपुर पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पीछे गोरखपुर स्टेशन है। तो यहाँ से अब हम थोड़ा नहा धोकर फिर हम जाएंगे दर्शन करने गोरखनाथ के। तो अभी पहले हम देखते हैं किधर इसकी व्यवस्था है, उसके बाद हम गोरखनाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे सनौली बॉर्डर की तरफ और ही चेकिंग करते हुए जाएंगे, लिफ्ट लेकर जाएंगे। तो देखते हैं अब कैसा सफ़र रहता है, क्योंकि अब ही चेकिंग करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, तो हम ट्राई ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फाइनली हम रेडी हो चुके हैं नहा धोके, तो अब हम जा रहे हैं गोरखनाथ के दर्शन करने, तो चलते हैं। दोस्तों, नहा धोने के बाद मुझे लग रही थी काफ़ी तेज़ी से भूख, क्योंकि मैंने ट्रेन में कुछ भी नहीं खाया था, तो हमने रेलवे स्टेशन पर खाना खाया जो कि काफ़ी अच्छा था। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर की तरफ, तो अभी हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है। और मेरा बैग खोला, उसके अंदर चेक किया, उसके बाद फिर हमें आगे जाने की परमिशन दी, तो अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं।